हेलो गाइस, तो मैं आज आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोल रही हूँ, मैं आज आपको गुड आफ्टरनून बोल रही हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत आलसी हो गई थी, लेजी हो गई थी। तो ये हमारे घर में एक नए मेहमान आ गए हैं। देखो ये ना, ये आयुष जो खुश हो रहा है ना, वैसे एक्चुअली वो आयुष के लिए आया है। आयुष इस पर गेम नहीं खेलने, पहले बता दूँ मैं आपको, ये गेम खेलने के लिए बिल्कुल नहीं है। अच्छा, वो लाइट वेट है, लेकिन वो आयुष को बाद में मिलेगा, पहले पिताजी एक्सपेरिमेंट करेंगे उससे सारे। अच्छा जी, गुड आफ्टरनून मैंने बता दिया आपको कि आज मैंने गुड मॉर्निंग बोला ही नहीं, क्योंकि आज मैंने ना आलस की जो हद होती है ना, लिमिट क्रॉस करना, वो मैंने इतना अलसाया है कि आप सोच नहीं सकते। आई वॉज बिजी डूइंग नथिंग। जय का एक प्रोजेक्ट था, वीडियो बनाना था, वो हमने बना लिया है। उसका लिंक मैं आपको देती हूँ, यहाँ साइड में लिंक मिलेगा आपको, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग और फनी वीडियो बनाया हमने। अभी मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा काम करने का, क्योंकि अभी मैंने एक रेसिपी में देख रही थी, वहाँ से मुझे एकदम से एनर्जी आ गई। मेरी आँखें देख रहे हैं एकदम से, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं, मतलब मैं सोई नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैंने दवाई वाई डाली है आंखों में, तो इसलिए एकदम से अजीब अजीब सा फील आ रहा होगा ना आपको। बट एनीवे, धूप के बिल्कुल सामने बैठी हूँ, क्योंकि मुझे ना ठंड भी लग रही है और थोड़ा सा जुकाम जुकाम जैसा भी हो रहा है। लेकिन मैंने जो आज रेसिपी सीखी है वो मुझे अभी बनानी है, बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले ना मैं अपना घर पूरा क्लीन करूंगी। मुझे एकदम से ना ऐसा लगता है कि पूरा, ऐसा नहीं है कि घर साफ नहीं है, मैं दिखाती हूँ आपको, रुको। ये देखो, ये ठीक ठाक क्लीन है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता है जब काम शुरू करना होता है ना हमने, तो मतलब एकदम से सिरे से शुरू करना चाहिए, सफाई शुरू करके ही करना चाहिए। और अभी हम, मैं और जय, हम शुरू करेंगे, पहले घर का क्लीनिंग करेंगे, है ना, करेंगे ना दोनों मिलके, सफाई करेंगे, सफाई करेंगे अच्छे से। इसकी पूरी बुक इसने मैसी कर रखी है, वो सारी सफाई करवाएगा ये मेरे साथ। कितना मैसी कर रखा है इसने रूम, अभी ये देखना, 5 मिनट में आपको ये सारा रूम क्लीन करके एकदम चकाचक दिखाने वाला है, क्योंकि ये मेरे साथ आज हेल्प करेगा, ऐसा बोला उसने। ओके गाइस, तो जय बेबी बहुत क्यूट है, स्वीट है, देखो एकदम से चकाचक सफाई कर दी है उसने एक मिनट में। यस, 1 मिनट में उसने टेबल वीबल अपना सामान सब उठा दिया, सब क्लीन कर दिया। थैंक यू जयवर्धन, यू आर वेलकम। अच्छा जी, हम आ गए किचन में। ये देखो, ये हमने कढ़ाई रख ली है, आज हम बनाने वाले हैं शाही पनीर। अच्छा, ऊपर की लाइट रुको, मैं, लाइट थोड़ी कम लग रही है ना, एक मिनट रुको, अब देख लो, कोई लाइट का फायदा नहीं पड़ा है, मम्मी ना ऐसे स्टाइल मारती रहती है मेरा। तो अभी आज मैंने सीखा है शाही पनीर और दाल तड़का, आज ये दो मस्त चीजें बनेंगी, तो मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से आपने बनाना है। आप मेरे साथ साथ बनाइए, थोड़ा सा ऑयल ले लेना है आपने। मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ करती हूँ जब मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में तेज मसाले कोई नहीं डाल खाता है, सिंपल सिंपल सा खाना हम बनाते हैं। तो ये दो मैंने ऐसे ड्राई मिर्ची होती है ना, वो ले ली है, साथ में मैंने मिला दिया है इतना सा जीरा। अच्छा, आपको ना एक काम और करना है, जब हमने दाल तड़का जो बनानी है ना, उसके लिए देखो ये मैंने मिक्स दाल ली, आप कोई भी दाल ले सकते हैं, मूंगी और मसूर, मूंग मसूर धुला, ये मैंने आधा आधा, मतलब इस रेशो में लिया है कि आधा आधा हो जाए, तो इसको मैं धो के इसमें डालूंगी। लेकिन कैसे डालना है, क्या क्या और चीज़ें लगेंगी, वो मैं बताती हूँ आपको। ये मसाला जब तक हो गया है, हम इसमें अनियन डालेंगे, और अनियन थोड़ा ज़्यादा डलता है, हम लोग पिसा हुआ जैसे मिक्सी में पीसते हैं ना, वो हम नहीं खाते हैं, तो मैं काट के ही मतलब प्रेफर करते हैं हम लोग, मतलब 4 मीडियम अनियन लिए हैं मैंने 4। तो ये दाल बनाने के लिए कुकर रख लिया है मैंने, देखो इस तरह से, और आपने इसमें डाल देनी है दाल धो के अच्छे से। पानी आप जैसे डालते हैं वैसे ही डालो, आवश्यकता के अनुसार, मतलब जितना आपको लगता है कि इतनी दाल के लिए आवश्यकता है उतनी डालें। साथ में आपने इसमें डालना है कटा हुआ प्याज, जब हम इसको बॉईल करेंगे हम कटा हुआ प्याज इसमें तभी डाल देंगे। तो ये हो गया है, अब हम इसमें मिलानी है, इसमें नमक और हल्दी हम मिलाएंगे। लेट्स सी कैसा बनता है आज हमारा खाना। तो इसको हम प्रेशर आने देंगे। अच्छा, ये वाला जो अनियन रखा है ये हमने दाल तड़का के लिए रखा है, ये लगभग 1.5 अनियन है, मतलब मैंने पूरे 5 अनियन लिए थे, उसमें से 3.5 इसमें डाल दिया है और 1.5 मैंने रख लिया है।
अच्छा, अभी शाही पनीर का दूसरा मसाला बनाना है हमको, तो उसके लिए हमको चाहिए एक बड़ा टमाटर। देखिए इतना बड़ा आपने एक टमाटर ले लेना है इसके लिए। इसमें आपने डालने हैं बादाम। बादाम आप जितना आप ग्रेवी को थोड़ा सा थिकनेस चाहते हैं आप उतने डालिए। मैंने 8-10 बादाम डाल दिए इसमें। अब मैं इसमें मिलाऊंगी धनिया, आप साबुत भी डाल सकते हैं, आप ये पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। 1.5 चम्मच डाला है मैंने, 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें डालेंगे मिर्ची, और इसमें डालेंगे हल्दी ज़रूरत के हिसाब से। आप देख लीजिए आपको जितना मतलब नमक मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। नमक मैंने नहीं डाला है इसमें, उसका एक रीज़न मैं बाद में बताऊंगी। अब देखिए ये जो मसाला है इसको या तो आप पानी आपको डालना है इसमें, या आप थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं, या थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं। शाही पनीर में ये तीनों चीज़ें डलती हैं। चलिए तो ये देखो, ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, अब मैं इसको पीस लूँगी। ये मैंने फ्राइड राइस के लिए भी एक कुकर रख दिया है। थोड़ा सा डालेंगे इसमें ऑयल, जीरा, मेरे बड़े बेटे को बहुत पसंद है आयुष को। साथ में मैं मिलाऊंगी इसमें तेज पत्ता। अब ये भगोना रखा है, इसमें हम दाल को छोंक लगाएंगे। अच्छा जी, अब इसमें मिक्स कर देंगे हम पनीर। ये ऑलमोस्ट मसाला तैयार हो ही गया है हमारा इस तरह से। खाना बन गया है और करमवीर आ गए हैं खाना खाने के लिए। और ये देखो, ये हमारी तंदूरी रोटी भी बन गई है ऐसे। तुम हम जरा करमवीर को खाना खिलाते हैं, फिर देखते हैं कैसा लगता है उनको। तो देखो ये करमवीर के लिए खाना लगा दिया है मैंने। अब हम एक्सप्रेशन कैच करेंगे करमवीर के कि इनको कैसा लगता है। और अगर एक्सप्रेशन खराब आ गए तो? नहीं नहीं जी, खराब मत करना, फिर तो सारी मेहनत बिगड़ जाएगी। खाना पापा कैसा बना है जी? पनीर तो बढ़िया है, बाकी क्या? दाल, दाल तड़का, रोटी भी जी तंदूरी, रोटी अच्छी, और राइस राइस में क्या अच्छा होता है। अच्छा जी, तो अब ना आप थोड़ा सा इंतज़ार करो, हम अभी ऊपर भी जाएंगे तो फिर आपको वहाँ से भी थोड़े थोड़े क्लिप्स दिखाएंगे। और ये हमारे गप्पू चप्पू आ गए हैं, और मेरी माता ने आज आपको गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला, गुड आफ्टरनून भी नहीं बोला। जय, ऊपर जा रहे हो ना, जल्दी से ऊपर जाओ, छत का डोर खोलो, फटाफट हम आ रहे हैं। तुम्हें आ रहा है कपड़े लेकर? ओहो चलो मम्मी आ जाओ। बाप रे, हम छत पे आए थे कि आपको कुछ कुछ दिखाएं, लेकिन इधर तो अंधेरा ही बहुत हो गया है। तो अभी हम बंद कर देते हैं, यहीं अपना वीलॉग ख़त्म करते हैं। जय बाय बाय बोल दो सबको एक बार, बाय बाय, गुड नाइट। चलो अपना ध्यान रखिएगा, आज थोड़ा लेट हो गए हम शुरू करने में भी, और लेट हो गए हम बंद करने में भी। तो फिर मिलते हैं अगले वीलॉग में, आप ध्यान रखिए। और जय देखो कैसे मिट्टी के साथ खेलने आ गया ये लड़का ऊपर ना, ये देखो क्या हथौड़ी लेके कुछ कर रहा है। क्या कर रहे हो? ये तोड़ रहा हूँ। क्या तोड़ रहे हो? मिट्टी सूखा है। हे भगवान, इसको तो ना बस मिट्टी मिल जाए खेलने के लिए। और इसी के साथ हमारी माता जी भी आ गई हैं छत पे। बाय बाय, चलो बाय करने आए हैं आपको, सबको बाय बाय, ध्यान रखिए, गुड नाइट। गुड नाइट बोलो, गुड नाइट।